मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन। ओम एक्सप्रेशन चैनल इन यूट्यूब, आज की मेरी वीडियो उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है जो लोग किडनी संबंधी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यदि वो पहले इंस्पेक्शंस बढ़ते शायद उनको ये प्रॉब्लम ना होती। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू डिटॉक्सिफाई योर किडनी, हम किडनी की देखभाल कैसे करें, किडनी को डिटॉक्स कैसे करें। किडनी को डिटॉक्स करने को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है किडनी हमारी बॉडी में क्या काम करती है। किडनी हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती है, एक्स्ट्रा फ्लूइड और टॉक्सिन्स को एक्सक्रीशंस के द्वारा बाहर निकालती है। इसका मेन काम ब्लड को फिल्टर करना है, उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड और जो टॉक्सिन्स है यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकालना। आप समझ सकते हैं यदि किडनी ठीक फंक्शन ना करेगी तो एक्स्ट्रा फ्लूइड भी नहीं निकलेगा और टॉक्सिन हमारे अंदर ही रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, किडनी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किडनी के लिए नुकसानदायक हैं। आज के जीवन शैली में तनाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि ये सब समस्याएं हो रही हैं। नंबर टू इज ओवरवेट। ओवरवेट एक बहुत बड़ी समस्या है। ओवरवेट हर चार में से तीन आदमी ओवरवेट है। ओवरवेट और किडनी संबंधी रोगों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। जो लोग ओवरवेट है बोलने का बीपी भी ज्यादातर हाई रहता है, हाइपरटेंशन, ओवरवेट, स्ट्रेस। नेक्स्ट इज डायबिटीज, शुगर, टाइप टू डायबिटीज जो कि हम खुद ही एक्वायर करते हैं थ्रू कोवेसिटी और गलत खान पीन की वजह से, ये भी एक मुख्य कारण है किडनी के ट्रबल्स का। नेक्स्ट इज गलत खान पीन। जब हम अपने खान पीन में जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और हम मीठा वाइट शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है, किडनी के लिए नुकसानदायक है, हमारे शरीर में मोटापा करता है, डाइट छोटा ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है, किडनी के लिए नुकसानदायक है। इनटेक ऑफ साल्ट, मोर साल्ट, साल्ट का ज़्यादा लेना ये भी नुकसानदायक है। अबाबाद मेडिसिंस मिस यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड द पेन किलर्स, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा जो आजकल का युवा वर्ग है, हीरोइन, चर्स, गाजा, चिट्टा, ये सब कुछ हमारी किडनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अल्कोहल बहुत नुकसानदायक है, स्मोकिंग बहुत नुकसानदायक है। इसके अलावा किडनी को किसी भी बॉडी पार्ट को डिटॉक्स करना है तो पानी खूब पीना है। पानी, हाइड्रोथेरेपी, पानी खूब पिए ताकि किडनी पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन हो सके। पानी का कम पीना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। योर रिनल कोलिक स्टोन, पथरी, ये भी आपके किडनी को डैमेज करती है, हमें इससे भी बचना है। पानी खूब पिए। पानी कई मैं देख रहा हूं आजकल बरसात के दिनों में, समर सीजन में रीनल कोलिक की बहुत समस्या आती है। क्यों रीनल कोलिक होता है? मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, मैं तो पानी खूब पीता हूं फिर भी मुझे रीनल कोलिक की प्रॉब्लम क्यों? मेरे प्यारे बंधुओं, जब भी मेरे बच्चे, मेरे भाई धूप में काम करते हैं, उनका प्रेस्पिरेशन, पसीना बहुत निकलता है जिससे पानी की कमी होती है, उन्हें उसे ओवरकम करने के लिए
पानी ज्यादा चाहिए। इसके लिए सिंपल फंडा मैं बता रहा हूं, अपना यूरिनरी आउटपुट देखें, उनका यूरिन जो है 4-7-8 बार खुलकर पेशाब आना चाहिए। पेशाब यूरिन की आउटपुट 800 ml to 200 ml पर 2 लीटर, ये आपको इतना आपका यूरिन आना चाहिए। यदि इससे यूरिन कम आता है तो आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने खुद आते ही छोड़ दी, खास करके जो मेरे भाई बंधु हाइपरटेंशन से पीड़ित है, जो मेरे बंधु डायबिटिक है, जो मेरे बंधु कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं, उन्हें चाहिए वो सब छोड़ दें ताकि किडनी का अपना प्रॉपर चेकअप कराएं, अपना प्रॉपर चेकअप कराएं, अपने किडनी के प्रॉपर टेस्ट कराएं, ताकि तो हमारी किडनी उनके स्वस्थ है या नहीं। मैं फिर उनसे अपील करता हूं, जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग हाइपरटेंसिव है, जो लोग मोटे हैं, जो लोग ड्रग्स वगैरह यूज कर रहे हैं, वो आप निरंतर किडनी के टेस्ट कराएं। जो अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, निरंतर अपनी किडनी के टेस्ट कराते रहे। पानी को पीना है, मैंने आगे ही बताया। इसके अलावा क्या, हाउ टू डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई मतलब यूरिन, हमारा यूरिन आउटपुट ज्यादा हो, किडनी की सफाई हो, किडनी की फ्लशिंग हो। इसके लिए सबसे सिंपल होम रेमेडी है धनिया, कोरिएंडर लीव्स। आपने 1 लीटर पानी में 50 ग्राम धनिए के पत्ते डालने हैं, जब वो 500 ml रह जाए वो आपने पानी पीना है सुबह, और किससे आपकी किडनी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट इज पत्थर चट, ये बहुत ही उपयोगी है। पत्थर चट आपने 1 लीटर पानी में 30 ग्राम डालना है, जो 500 ml रह जाए वो पानी आपने पीना है, इससे भी किडनी आपकी डिटॉक्सिफाई होती है। नेक्स्ट इज खीरे का जूस, खीरे का जूस, खीरे का रस, खीरे का रस आप 300 ml खाली पेट ले, इससे आपकी किडनी डिटॉक्सिफाई होगी। किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन सप्ताह में एक बार जरूर करें। अपने खान पीन का ख्याल रखें, जंक फूड बिल्कुल ना लें, फाइबरस फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह लें। फाइबरस फ्रूट्स आपके लिए पाइन एप्पल, एप्पल्स, गावा, सिट्रस फ्रूट्स, ये बहुत बेनिफिशियल्स हैं, ये आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित करें, और जंक फूड को अवॉइड करें, अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करें। इसके अलावा योग एंड प्राणायाम, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। स्ट्रेस से बचना है तो प्राणायाम करें, योग निरंतर करें, योग से हमारी किडनी के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और हमारी किडनी निरोग रहती है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि यदि आप निरोग रहना चाहते हैं तो आपको योग करना ही होगा। इसके लिए मंडूक आसन, सर्वांग आसन, नौकायन आसन, कोबरा आसन, ये सब आसन बहुत ही उपयोगी है। रोज टाइम निकालें, रोज योग करें, रोज प्राणायाम करें, अपनी डाइट अच्छी खाएं, अल्कोहल ना पिए, तंबाकू ना खाएं। जो मेरे भाई बंधु डायबिटिक डायबिटीज से पीड़ित है, जो मेरे भाई बंधु हाइपरटेंशन से पीड़ित है, जो मेरे भाई बंधु डायबिटीज है, या जो मेरे बंधु ड्रग्स ले रहे हैं, वो खास ध्यान रखें अपने किडनी का, उनको किडनी के अपने रेगुलर चेकअप कराते रहना है। मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर आदमी निरोग रहे। मैं इसी में अपना एक प्रोग्राम चलाया है कि हाउ टू अवेयर द सोसाइटी। मैं चाहता हूं कि बुद्धिजीवी मेरे साथ आए इस प्रोग्राम में, लोगों को हम अवेयर कर सके। पैसे के लिए तो हर सब कोई काम करते हैं, ये एक ऐसा काम है जो समाज के जन कल्याण के लिए है। आओ मेरे साथ जुड़ें, ये जिंदगी शॉर्ट स्पैन है, पता नहीं कब, मैं 63 ईयर ओल्ड हूँ, इससे ज़्यादा पता नहीं कब भगवान का बुलावा आएगा। मैं सोचता हूँ क्यों ना अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर जाऊँ जो अविस्मरणीय हो, जो याद रहे, मुझे ऐसा लगे।
थैंक यू, गॉड ब्लेस।